बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादब जानजुआ और आप सबका मेरे YouTube चैनल सादब जानजुआ में तहे दिल से खुश आमदी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मजेदार फ्रूट केक की रेसिपी। चले चलते हैं फ्रूट केक की रेसिपी की तरह। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट केक की रेसिपी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, 4 अंडे हमने ले लिए और ये हमने चीनी ले ली 1 कप बड़ा, ये मैंने चीनी पीस ली थी, पिसी हुई चीनी, और आधा कप दूध, ये है ज़ाफ़रानी एसेंस, ये आधा ढक्कन डालेंगे, और थोड़ी सी चुटकी डालेंगे जर्दा रंग। इसके अलावा बेकिंग पाउडर, ये हम डालेंगे 1.5 चम्मच ये खाने वाला, और यही वाला कप का साइज़ हमने ले लिया मैदा 1.5 कप, और इसके अलावा थोड़ी सी किशमिश और अशरफियाँ जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, और इसके अलावा इसमें घी, ऑयल या फिर बटर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, तो मैं इसमें ऑयल डालूंगी। चलें अपना केक बनाना शुरू करते हैं फ्रूट केक। केक का बैटर बनाने के लिए मैंने अपने जग में, बीटर के जग में 4 अंडे डाल दिए हैं, आधा ढक्कन ज़ाफ़रानी एसेंस भी डाल दिया। अब मैं इसको चला के अच्छे से बीट कर लूँगी, फिर चीनी शामिल करके मज़ीद बीट करूँगी। तो आप इसको बीटर के जग में भी बना सकते हैं और हैंड बीटर से भी कर सकते हैं बीट अंडों को। अंडे बीट करके मैंने आधा कप चीनी डाल दी और आधा कप बचा लिए, ये बाद में थोड़ा थोड़ा करके हम चीनी डाल के इसे बीट करेंगे। मज़ीद ये आधा कप मैं सारा बीच में डाल रही हूँ, आधा कप मैंने पहले डाला था, अभी इसे मज़ीद बीट कर लेंगे। ये देखें अंडों का बैटर हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया, अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जग में मैंने अंडे बीट किए, कितने अच्छे बीट हो गए। तो आप जग में भी अपने केक का बैटर तैयार कर सकते हैं। 1 कप मैदे के अंदर मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है चमचे से, और 2 चमचे मैंने ये मैदा अलहदा से निकाल लिया। इसमें मैं अशरफी और किशमिश को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो है हमारी अशरफी और किशमिश नीचे केक में ना बैठ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 चुटकी ये मैंने, 2 चुटकी के करीब ये मैंने जर्दा रंग ले लिया, अंडों के बैटर में डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 चमचे खाने वाले मैंने इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है इस बैटर को, और अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद और दूध ऐड करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। और इसमें फिर हमने ये जो अशरफियाँ और ये जो किशमिश ली थी इसमें मैदा मिक्स करके ये सारा ऐड कर देंगे, और अगर ये ज़्यादा हो गया गाढ़ा तो हम इस लास्ट में इसमें क्या कहते हैं दूध और ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा फ्रूट केक का बैटर तैयार हो गया है। अब इसको पैन गरम करके उसमें बैक करने के लिए सांचे में ऑयल लगा के रख देंगे। केक के सांचे में अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा के केक का आधा बैटर डाल दिया है। इसको फुल नहीं भरते, आधा इसलिए हम डालते हैं क्योंकि ये केक हमारा फूलता है, तो आधा मैंने डाल दिया और आधा ये बचा लिया है। तो अब इसको हम बेक करने रख देते हैं। पैन गरम किया था तो इसमें मैं पैन को कवर करके इसमें ढक के बेक करने के लिए रख दूंगी। आप पतीले में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं। इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे हल्की आंच पे, और अब हम इसको चेक करेंगे, ये बेक हो गया तो हम अंदर छुरी एंड तक डाल के देखेंगे और छुरी बाहर निकाल के देखेंगे, अगर बिल्कुल साफ आई तो इसका मतलब केक हमारा डन है, केक हमारा बेक हो चुका है। ये हमारे फ्रूट केक का एक हिस्सा बेक हो चुका है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखें, और दूसरा हिस्सा मैंने बेक करने रखा हुआ है, इसको हम पीसीज में काट लेंगे। फ्रूट केक का दूसरा हिस्सा मैंने बेक करने रख दिया है, देखें थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है लेकिन अभी ये कच्चा है, इसको मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे ढक के। देखें मज़ेदार केक हमारा फ्रूट केक तैयार है बन के, देखें कितना सॉफ्ट है, और इसको मैंने 2 हिस्सों में बेक किया था, तो ये देखें मज़ेदार फ्रूट केक तैयार है बनके। उम्मीद है मेरी आज की केक की रेसिपी की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्रूट केक की रेसिपी शेयर की। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी केक की रेसिपी की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना अपना प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।